हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, पॉलिनोमियल्स। उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और मैंने लिया है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड जी ऑफ एक्स। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके आता है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लें, गिवन पार्ट को। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, पॉलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स, जो कि है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। उसके बाद आपको क्या गिवन है, रिमाइंडर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा और सेकंड वाला रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा x माइनस टू और रिमाइंडर है माइनस टू एक्स प्लस फोर। हमें फाइंड क्या करना है, g ऑफ x फाइंड करना है, लेकिन आपको बोला है ऑन डिवाइडिंग x क्यूब दिस बाय अब पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स। तो हमारा अगर बात करें डिवीजन एल्गोरिथम की, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बन रहा है। हमें क्वेश्चन मिल चुका है, रिमाइंडर मिल चुका है, ये बन जाएगा आपका डिविडेंड और ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बाय डिविजन एल्गोरिथम By division algorithm क्या होगा, डिविडेंड जब चेक करते हैं हम लोग तो कैसे चेक करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये चेक करने का हमारा तरीका है। तो जो जो वैल्यूज है उसको यहां पुट आउट कर दीजिए। डिविडेंड हमारा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू, डिवाइजर है हमारा g ऑफ x इंटू क्वेश्चन है x माइनस टू प्लस रिमाइंडर पार्ट हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर। क्लियर, इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस है, तो ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो अंदर जो भी साइन है वही का वही आएगा प्लस होने की वजह से, तो माइनस ऑफ टू एक्स प्लस फोर। क्लियर, अब इस वाले पार्ट को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा, क्लियर है। माइनस टू एक्स प्लस फोर को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा देखिए आप, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स जो इस तरफ है उनको पहले नोट डाउन कर लीजिए प्लस टू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, माइनस टू एक्स उस तरफ जा रहा है तो माइनस का है तो इक्वल के उस तरफ जाने की वजह से प्लस बन जाएगा टू एक्स, और फोर प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, बीच में इक्वल बचा क्या जी ऑफ एक्स एक्स माइनस टू। क्लियर, अब आगे चलते हैं तो देखिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस एक्स और ये टू एक्स ये भी आ गया, तो ये भी प्लस टू एक्स है तो दोनों के कोएफिशिएंट से ऐड हो जाएंगे, एक्स इधर कोएफिशिएंट टू हो गया, इसका कोएफिशिएंट वन हो गया, कुछ भी नहीं होता है तो वन होता है, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, थ्री एक्स और इधर देखिए प्लस टू माइनस फोर, तो डिफरेंस निकालिए टू आएगा और साइन इसका ग्रेटर है इसमें माइनस का गया, इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू। यहां तक क्लियर, अब देखिए मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स माइनस टू ये इधर इसके अपॉन में चला जाएगा, क्लियर है। तो क्या बनेगा, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ओके, अपॉन हमारा बनेगा ये एक्स माइनस टू इस तरफ आ गया तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जी ऑफ एक्स,
यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, x माइनस टू से इस पूरे पॉलिनोमियल जो कि न्यूमरेटर में है इसको डिवाइड कर दे तो हमारा g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है डिवाइड करते हैं, इधर देखिए दोस्तों मैं डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, एक्स माइनस 2। ध्यान रखिएगा वैल्यूज कभी गलत मत लिखिएगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप पुराने वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं और बता देता हूं। हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, मुझे इसको एक्स को एक्स क्यूब बनाना है तो कैसे पता पड़ेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, देखिए क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है एक्स स्क्वायर आ जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स को, तो जिससे भी मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम क्वेश्चन में लिखते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट डिजिट एज इट इज, जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और रिमेनिंग जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस टू इंटू एक्स, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन सिंबल ड्रॉ कीजिए, इधर कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब प्लस होता है, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, देखिए ये माइनस एक्स क्यूब ये प्लस एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां देखिए आप लोग माइनस थ्री इधर प्लस टू, दोनों का डिफरेंस निकालिए, वन का डिफरेंस है और साइन आएगा माइनस का, तो इसका कोएफिशिएंट ग्रेटर है एक्स स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग जो भी पार्ट है उसे नीचे नोट डाउन कर लीजिए, माइनस टू। अब सेकंड स्टेप वापस दोहराते हैं, अच्छा ध्यान रखिए यहां वन लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट वन ही होता है कोएफिशिएंट, क्लियर है? तो स्टेप सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड में सेम वही प्रोसेस, दोनों के फर्स्ट टर्म को उठाइए, क्या बचेगा ओनली एक्स बचेगा, इसके एक पावर को कम कर देगा और प्लस इनटू माइनस माइनस आएगा, मतलब मुझे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। करिए फर्स्ट डिजिट तो ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, जो ऊपर है वही का वही, कुछ भी चेंजेस नहीं, सेकंड नेक्स्ट जो बचा हुआ उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस माइनस देखिए माइनस टू इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स, क्लियर? तो यहां आ जाएगा प्लस टू एक्स, साइन चेंज प्लस ये माइनस, फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल आउट होगा, सेकंड में देखिए माइनस टू इस वाले साइन लेके चलेंगे तो माइनस टू इधर प्लस थ्री, दोनों का डिफरेंस निकालिए, सेम वही कहानी, वन आएगा पर साइन आएगा प्लस का, बिकॉज प्लस का कोएफिशिएंट बड़ा है ग्रेटर है, बचा यहां क्या माइनस टू, इसको ऐसे कर साथ में सॉरी एक्स भी आएगा साथ में माइनस टू का एसटीज, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप आपका थर्ड, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं वही सेम कहानी, फर्स्ट स्टेप को देखिए जैसा मैं पहले कह चुका हूं, वन यहां लिखिए या मत लिखिए एक ही बात है, बाय कोएफिशिएंट डिफॉल्ट कोएफिशिएंट वन होता ही है, एक्स ये और ये एक्स डिवाइड कीजिए, दोनों कैंसिल आउट वन, मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा वन से, तो यहां लिखिए प्लस वन, कर दीजिए मल्टीप्लाई एक्स को फर्स्ट डिजिट तो वैसे ही एक्स एज इट इज, और माइनस वन माइनस टू इंटू वन हो जाएगा माइनस टू, चलिए कैंसिल आउट कीजिए, यहां पे कुछ भी साइन नहीं तो प्लस माइनस और ये माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये प्लस टू माइनस टू ये भी कैंसिल, रिमेनिंग जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया, मैंने जैसे कि बोला था इससे डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वो जीएक्स आ जाएगा, तो हैंस हमारा जीएक्स क्या आ गया, जीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा एक्चुअली जो आंसर हम चाह रहे थे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गया। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके का एक प्रॉब्लम आती है, इसमें हम डिविजन एल्गोरिथम को यूज करके सोल्व करते हैं जी ऑफ एक्स फाइंड करना। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हम लोगों से, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, थैंक यू।